गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जनपद में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 56 बूथ बनाया गया था। सभी बूथों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पोलिंग बूथ के गेट के बाहर से नागरिकों को बताया जा रहा था कि कोई भी नागरिक मतदान कक्ष में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर जाएगा, वह केवल अपना मतदान कार्ड ही लेकर जाएगा। जिसके संबंध में सीओ कैंच योगेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 57 मतदान केंद्र बनाया गया है। सभी बूथों पर उपनिरीक्षक व कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा महिला कांस्टेबल, होमगार्ड व पीएससी की ड्यूटी अलग से लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो कि भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, अच्छा 11 बजे चार स्कूल है, चारों चेक कर लिया हूँ। और हाँ साथी में चढ़ाए पर चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। कितने सार में बूथ बनाए गए और क्या सुरक्षा? ये जिसमें जो इसमें हम मतदान चल रहा है, मैं इस समय रफ़ी की दुआई के सामने खड़ा हुआ हूँ। टोटल जो 57 मतदान केंद्र हैं उनको लेकर जो अलग अलग सब इंस्पेक्टर्स के उसमें ड्यूटी लगाई गई है, महिला कांस्टेबल, होमगार्ड्स और पीएससी की ड्यूटी अलग से लगाई गई हुई है। सभी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी अलग से लगाई गई है, जो कि भ्रमणशील रहकर जो मतदान है उसको सकुशल संपन्न कराएंगे।